से 6 रोज पहले कालचीनी थाना के अधीन मेजपारा चाय बगान इलाके में चाय बगान में शौचालय के लिए गई सुनीता ग्वाला आयु 53 हाथी के हमले में घायल हो गई थी, जिसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिसका कल रात सिलगुड़ी के नॉर्थ बेंगल मेडिकल में मृत्यु हो गई है। आज महिला के शव को उनके घर लाया गया है। हैमिल्टनगंज वन विभाग के रेंजर नरेश विश्वकर्मा ने बताया कि महिला के परिवार को सरकारी सहायता दिया जाएगा। वर्तमान में आज महिला के परिवार को 20,000 रुपये सरकारी सहयोग दिया गया है।